हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2018 इवेंट में जो है ना ये एग्जाम हो चुका है। सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ पे सेमेस्टर 6 दिया गया है, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ओल्ड सिलेबस में कंप्यूटर ग्राफिक्स को 6 सेमेस्टर में ही स्टडी करना है। लेकिन जो आपका न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में जो है ना आपको 4 सेमेस्टर में ही इसे स्टडी करना है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको 6 सेमेस्टर का ही मिलेगा, क्योंकि पहले 6 सेमेस्टर में ही एग्जाम हुआ करता था। फर्स्ट टाइम 4 सेमेस्टर में कंप्यूटर ग्राफिक्स को लाया गया है और ये फर्स्ट टाइम 4 सेमेस्टर में कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम होने जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज के सेशन में हम लोग 2018 के कंप्लीट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और आगे के सेशन में हम लोग 2017 का, फिर 16 का, फिर 19 का, 20 का जो भी पूछा गया है क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच डिवाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच डिवाइस प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू द ग्राफिक सिस्टम। तो यहाँ पे दो वर्ड आप देखेंगे, पोजिशनल इंफॉर्मेशन है और दूसरा ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जब आप विजुअल इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं, जैसे पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ड्राइंग करना, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स। और वह सिस्टम जिसके द्वारा हम लोग विजुअल इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक सिस्टम। और ग्राफिक सिस्टम के लिए पोजिशनल इंफॉर्मेशन कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है इनपुट, आउटपुट, पेन पॉइंटिंग और बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस, और पॉइंटिंग डिवाइस ही आपका इनपुट डिवाइस होता है। सभी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होते हैं, लेकिन सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा दोनों हो जाएगा। क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस पोजिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे आपका माउस हो गया जो पॉइंटिंग करता है कर्सर को, उसके बाद में ट्रैक बॉल हो गया, डिजिटल टैब हो गया, आपको जो है ना जॉयस्टिक हो गया जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, ये सब क्या होते हैं आपको पॉइंटिंग डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं, और ये सभी क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन ग्राफिक सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल्स इन द पिक्चर आर स्टोर्ड। यहाँ पे ये जो है ना पाइरेक्स जो है ना गलत है। इन ग्राफिक सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे एरे ऑफ पिक्सल कहा जा रहा है, सिर्फ पिक्सल नहीं कहा जा रहा। अगर सिर्फ पिक्सल की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेम बफर, यानी कि पिक्सल को स्टोर करता है फ्रेम बफर। लेकिन एरे ऑफ पिक्सल बहुत सारा पिक्सल लगा हुआ जाता है, तो एरे ऑफ पिक्सल को कौन स्टोर करता है, मेमोरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, एरे ऑफ पिक्सल मेमोरी स्टोर करता है जबकि पिक्सल फ्रेम बफर स्टोर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि विच कीज अलाउ यूजर टू इंटर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस इन ए सिंगल की स्ट्रोक। कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब कि वह ऑपरेशंस जो आप बार बार परफॉर्म करते हैं, तो बार बार परफॉर्म करने के लिए सिंगल की स्ट्रोक में कौन से की यूज होता है, जो ज्यादा यूज होने वाला की है सिंगल की स्ट्रोक में वो कौन है। तो ऐसे बहुत सारे की होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला की है आपका फंक्शन की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की, फंक्शन की। और ये फंक्शन की हम लोग जानते हैं टोटल 12 होते हैं, F1 से लेकर के और F12 तक, जो कीबोर्ड के सबसे अपर में ही होते हैं। तो फंक्शन की जो है ना सिंगल के स्ट्रोक में यूज होने वाले सबसे ज्यादा जो है ना यूजफुल की होते हैं कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्चुअल रियलिटी कैड एंड एनिमेशंस आर द एप्लीकेशन ऑफ। कैड और कैम का नाम आप सुने होंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसी के साथ लिखा जाता है कैम।
कंप्यूटर एडेड मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैड एंड एनिमेशंस आर द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन। अभी हम लोग एनिमेशन हम लोग अभी हाल ही में पढ़े हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का लास्ट यूनिट है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैड और एनिमेशन में जो ज्यादा एप्लीकेशन होने वाले हैं वो कौन सा इसमें डिवाइस है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में जेड माउस है, डिजिटाइजर है, डाटा टेबलेट्स हैं और इमेज स्कैनर्स हैं, ये सभी ही इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कैड और एनिमेशन में जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, और इसमें जो है ना आपका होता है जेड माउस। जेड माउस को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर आप गेम खेलते होंगे तो गेमिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले माउस होते हैं वो जेड माउस होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जेड माउस ए। डिजिटाइजर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, जहाँ पे आप जो है ना डेटा टेबलेट होता है वहाँ पे आप राइटिंग करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं। डेटा टेबलेट्स हैं, टेबलेट आप देखे ही हैं, इमेज स्कैनर है, तो इमेज ये सब क्या होते हैं आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि ए डॉटेड लाइन कैन बी डिस्प्लेड बाय जनरेटिंग, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो डॉटेड लाइन डिस्प्ले होता है वो जनरेट कैसे होता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि वेरी शॉर्ट डैश्ड विथ स्पेसिंग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन डैश साइज। तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश का जो साइज होता है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, और उसके बीच में क्या होगा स्पेसिंग होगा। तो आपका राइट है, ये आपका आंसर क्या हो गया राइट हो गया। बी में आप देखेंगे वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पे लॉन्ग नहीं होगा बल्कि क्या होगा वेरी शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा और उसे इक्वल या ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ऑप्शन आपका क्या है रॉन्ग है। सी में देखेंगे कि वेरी शॉर्ट डैश विथ स्पेसिंग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन द डैश साइज। तो आप देख पा रहे हैं कि ए और सी क्या है दोनों ही ऑप्शन कंप्लीटली जो है ना सेम है। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि दोनों में से कोई भी आप एक इसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सी को कंसीडर कर सकते हैं या फिर ए को कंसीडर कर सकते हैं, कि दोनों में सेम चीज को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें है द बेसिक पैरामीटर टू कर्व्ड एट्रीब्यूट्स आर, यानी कि किसी भी कर्व एट्रीब्यूट्स के लिए बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में टीबीएमएस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंटिटी के प्रॉपर्टीज को बताता है, और यहाँ पे कर्व भी हम लोग पढ़े हैं ग्राफिक सिस्टम में कि कर्व एट्रीब्यूट्स के लिए क्या क्या बेसिक पैरामीटर हो सकते हैं। तो किसी भी कर्व एट्रीब्यूट के लिए उसका जो बेसिक पैरामीटर होगा वो उसका टाइप भी होता है, विड्थ भी होता है और उसका कलर भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा जा रहा है कि विद द डिस्प्ले इंटेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू ए गिवन कलर इंडेक्स सी आई कैलकुलेटेड है, यानी कि सी आई का मतलब होता है कलर इंडेक्स। तो किसी भी डिस्प्ले इंटेंसिटी के लिए जो उसका कलर इंडेक्स होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.5, कहीं कहीं हाफ लिखा रहता है 0.5, और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मिनिमम RGB जो प्राइमरी कलर होते हैं, RGB मतलब R मीन्स रेड, जी मीन्स हो गया आपका ग्रीन और बी मीन्स हो गया आपका ब्लू, तो ये तीनों प्राइमरी कलर होते हैं। तो RGB का मिनिमम वैल्यू प्लस RGB का मैक्सिमम वैल्यू, और उसको हाफ से आप डिवाइड कर देते हैं, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या दिया है 0.5। तो इसका फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी, कलर इंडेक्स को फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.5 मिनिमम RGB प्लस मैक्सिमम RGB जो प्राइमरी कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आप देखेंगे 8 हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर है इफ एनी इंटेंसिटी इनपुट वैल्यू नियर 0.33 वुड बी स्टोर्ड एज द बाइनरी वैल्यू 1 इन द फ्रेम बफर देन इट डिस्प्ले। कहा जा रहा है फ्रेम बफर में क्या होता है कि आपका जो है ना पिक्सल जो है ना स्टोर होता है। हम लोग पहले ही डिस्कस किए कि फ्रेम बफर में ऑलवेज पिक्सल को स्टोर किया जाता है, और कहा जा रहा है कि अगर फ्रेम बफर में अगर बाइनरी वैल्यू 1 स्टोर हो रहा है
और इंटेंसिटी इनपुट जो है ना वो 0.33 के नजदीक में है तो वो कौन सा कलर डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब सिंपल सा कहा जा रहा है कि अगर किसी भी वैल्यू कलर को जो है ना आपको डिस्प्ले करना है तो किस पर डिपेंड करेगा, पिक्सल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पिक्सल ही फ्रेम बफर में स्टोर होता है। तो अगर 0.33 के नजदीक है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि डार्क ग्रीन कलर डिस्प्ले करेगा, या लाइट ग्रीन कलर डिस्प्ले करेगा, या डार्क ग्रे कलर डिस्प्ले करेगा, या व्हाइट या ब्लैक डिस्प्ले करेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर आपको 0 मिलता है तो ब्लैक जो है ना डिस्प्ले करेगा, 0 पर क्या होता है ब्लैक डिस्प्ले करता है, और 1 अगर होता है तो क्या होता है ये व्हाइट डिस्प्ले करता है, व्हाइट डिस्प्ले करेगा। और अगर 0.33 है, 0.33 है तो ये जो है ना आपको डार्क ग्रे जो है ना आपको ये डिस्प्ले करेगा, और 0.67 है तो ये डिस्प्ले करेगा लाइट ग्रे डिस्प्ले करता है। तीसरा कलर होता है, तो जनरली 0 और 1 के लिए आप याद रखेंगे 0 पर ब्लैक, 1 पे व्हाइट, 0.33 पे डार्क ग्रे, और 0.67 पे व्हाइट ग्रे। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है 0.33, तो 0.33 के राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्क ग्रे कलर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ बेसिक फील स्टाइल। इसमें से कहा जा रहा है कि जो बेसिक फील स्टाइल होता है उसमें से कौन जो है ना टाइप नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको होलो, तो होलो इसका टाइप होता है। उसके बाद में सॉलिड कलर भी हम लोग फिलिंग करते हैं, पैटर्न भी फिलिंग करते हैं, जो डार्क होता है ये फील स्टाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो बेसिक फील स्टाइल का कौन टाइप नहीं है तो डार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शन विच रेफर्स ए सिंगल एट्रीब्यूट्स दैट स्पेसिफाइज हाउ ए प्रिमिटिव इज टू बी डिस्प्लेड विद दैट एट्रीब्यूट सेटिंग इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है ना जो रेफर करता है सिंगल एट्रीब्यूट को, और वो कोई प्रिमिटिव जो है ना स्पेसिफाई करता है, प्रिमिटिव डिस्प्ले वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट का सेटिंग करेंगे वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, अनबाउंडेड एट्रीब्यूट, बंडल्ड एट्रीब्यूट, और ऑप्शन में डी में है ए एंड बी दोनों। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स भी होगा और आपका जो है ना अनबंडल्ड एट्रीब्यूट भी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखेंगे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि ए एंड बी बोथ दोनों। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कीबोर्ड पे जितने भी की अवेलेबल है वो सभी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी कैरेक्टर का जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो क्या होता है। और एट्रीब्यूट का हम लोग जानते हैं एट्रीब्यूट बताता है प्रॉपर्टीज को बताता है, तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर है उसका प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कौन सा बेसिक एट्रीब्यूट हो सकता है। तो आपका कैरेक्टर है तो यहाँ पे फॉन्ट, उसके चार जो है ना एट्रीब्यूट होता है, जैसे फॉन्ट्स होते हैं, साइज होते हैं, कलर होते हैं, और ओरिएंटेशन। तो ये चारों ही इसका जो है बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी कैरेक्टर का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ट्रांसलेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसलेशन जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मतलब है, क्या करना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है रीपोजिशनिंग इट अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वेरी गुड, ये सही है। रीपोजिशनिंग इट अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, ये फॉल्स है। सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रीपोजिशनिंग करना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेशन करके। ट्रांसलेशन हम लोग देखे थे उसमें रोटेशन कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग करना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए रीपोजिशनिंग इट अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है द रोटेशन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एंड पासेस थ्रू द पाइवोट पॉइंट इज नोन एज। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रोटेशन एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस होता है,
एंड पासेस थ्रू पाइवोट पॉइंट, जो पाइवोट पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग आप जो है ना उसको रोटेट करना चाहते हैं उसी से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली रोटेशन ही होगा क्योंकि उसी पाइवोट पॉइंट से ही वो पास कर रहा है जो आपका एक्सिस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 है, इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू फॉर द रोटेशन एंगल थीटा डिफाइंस। जब रोटेशन एंगल थीटा दिया गया हो और वो पॉजिटिव हो तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसमें आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं पहले से अगर थीटा जो है ना पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको रोटेशन करना है एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर थीटा नेगेटिव वैल्यू है तो आपको रोटेशन करना है क्लॉकवाइज। ये होता है आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले रोटेशन करना है तो रोटेशन ही होगा। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द इंड पॉइंट्स, तो यहाँ पे इंड पॉइंट अकॉर्डिंग हम लोग रोटेशन नहीं करते हैं बल्कि पाइवोट पॉइंट रोटेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया। काउंटर क्लॉकवाइज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे बल्कि रोटेशन करना हम। सी में है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पाइवोट पॉइंट, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं और ये पाइवोट पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। रोटेशन करना है यहाँ पे तो यहाँ भी रोटेशन करेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉक, जब भी पॉजिटिव एंगल आपको मिलेगा तो एंटी क्लॉक यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और जब नेगेटिव होगा तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में कहा जा रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूज टू अल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को अल्टर कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग स्केलिंग भी पढ़े थे, उसके बाद में रोटेशन भी पढ़े थे, ट्रांसलेशन भी पढ़े थे और रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। तो इस चारों ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्ट के साइज को अल्टर करता है यानी कि छोटा या बड़ा कर देता है। तो हम लोग देखे थे जूम करते हैं तो साइज बड़ा होता है, जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो करते हैं हम लोग कहाँ पे, स्केलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को अल्टर करना है तो हम लोग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेंगे। रोटेशन करते हैं तो किसी भी पाइवोट पॉइंट के, पाइवोट एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रोटेट करते हैं, उसके साइज में कोई भी अल्टरेशन, कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाता है। रिफ्लेक्शन में हम लोग उसके मिरर इमेज को निकालते हैं लेकिन उसके साइज में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। अगर साइज अल्टर करने की बात होगा तो यहाँ पे ऑप्शन स्केलिंग ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द यूज ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज होता है ग्राफिक सिस्टम में। तो हम लोग होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को पढ़े कि जब आप 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है टू ट्रीट ऑल थ्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ए कंसिस्टेंट वे, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे टू स्केल, टू रोटेट और टू शियर नहीं होगा क्योंकि थ्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, जब भी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे थ्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग, तीनों को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, फॉर टू डी ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज, हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है ना ऐसे इसका वैल्यू आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग जो है ना थर्ड कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं 1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा ए, जब भी हम लोग टू डी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग 1 को कंसीडर करेंगे, और हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे जहाँ पे हम लोग 1 को कंसिडर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द लो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग इज नोन एज, यानी कि जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब उसमें जो उसको उसके शेप एंड साइज को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं
और वहां पे लो फ्रीक्वेंसी में सैम्पलिंग जब आप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब होता है उसमें डिस्टर्ब कर देना, उसका अपघटन कर देना, जो भी इमेज आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका अपघटन कर देना, मतलब उसमें बदलाव कर देना। तो उस तरह के बदलाव जो होता है लो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग को, उसको हम लोग कहते हैं एलियासिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, व्हाट इज द यूज ऑफ कोहेरेंस टेक्निक अलोंग एंड बिटवीन अ स्कैन लाइंस, यानी कि स्कैन लाइंस के अलोंग और उसके बीच में जो कोहेरेंस टेक्निक्स होते हैं उसका क्या यूज है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, ये आपका सही है। टू डिटरमाइन द एरिया एज, गलत है। यहाँ पे टू फाइंड पॉलीगन रीजन एंड टू करेक्ट इंटीरियर एरिया, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 20 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। यहाँ पे 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए।